अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। और आज मेरे पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। यूजुअली मेरे साथ होता यही है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हूँ नेटफ्लिक्स या रील्स वगैरह पे। क्योंकि अगर ये होता है वैसे कि अगर आपने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है तो क्यूरोसिटी होती है ना कि आगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस चक्कर में आप नेक्स्ट एपिसोड देखते ही चले जाते हो। आज से ठीक एक वीक बाद मेरे हस्बैंड की बर्थडे है और मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा बर्थडे वीक सेलिब्रेट करूं, तो उसकी सारी प्रिपरेशंस मुझे करनी है। क्योंकि मैं पहले ही कर लूँगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी पूरे वीक के लिए, क्योंकि वीक में आपको नहीं पता होता कब कहाँ का प्लान बन जाए। तो बेहतर यही है कि अगर मैं अभी से साइड प्लानिंग कर लूँगी, सब कुछ अरेंज करके रख लूँगी, तो मुझे उस वक्त भी परेशानी नहीं होगी। प्लान मेरा यह है कि मैं उनको डेली एक केक गिफ्ट और एक फूड आइटम उनको गिफ्ट करूँगी। और इसलिए मैं सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली हैं किस दिन मुझे क्या गिफ्ट करना है और किस दिन मुझे क्या कुक करना है। केक्स मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी हूँ, कुकिंग का इशू नहीं है, वो रोज़ के रोज़ हो जाएगी। जो इशू है वो है गिफ्ट का, क्योंकि गिफ्ट के लिए आप रोज़ाना नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, तो मैं उसके साथ जाके मैं परचेजिंग कर लूँगी। चिप्स खाने का मेरा बहुत दिल चाह रहा था, तो मेरे हस्बैंड बहुत सारे चिप्स ले आए और जैसे ही वो लेकर आए तो मैं उनको अपने साथ ही बिठा लिया, क्योंकि आज रात जो खाना बनना है तो वो मैं सारी चीज़ें तैयार करके ही मैं जाऊंगी, ताकि मुझे वापसी में आके कोई काम ना करना पड़े। तो मैंने उनको अपने साथ ही बिठा लिया ताकि जल्दी काम हो सके, तो फिर मैं जल्दी जा सकूँ। फ्रेंड मेरी आ गई थी और हम लोग फिर निकल गए थे मॉल के लिए, और वहाँ पे जाके मैं कुछ चीज़ें कैप्चर कर सकी, कुछ नहीं भी कर सकी, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई थी। तो मैं हर बार कुछ नया कैप्चर करने के लिए मुझे पुरानी चीज़ें डिलीट करनी पड़ रही थी। मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर की थी और बच्चों के लिए प्लेटर ऑर्डर किया था, और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी खाने का, लेकिन जब वो प्लेटर आया तो इतना डिलीशियस लग रहा था, तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा खाया। और वो सब खाने के चक्कर में मेरा जो हॉट चॉकलेट था वो बिल्कुल ही कोल्ड हो गया था। यहाँ से हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे, और क्योंकि मैंने जो जो माइंड में रखा हुआ था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या परचेज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम बाहर ही डिनर कर लेते हैं। व्लॉग में आप एंड करती हूँ, मुझे दुआ में अपनी याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जो मेरा प्लान है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। अल्लाह हाफिज़।